हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान जागरूकता के लिए कृषि रथ की शुरुआत की। यह कृषि रथ जन सहयोग से शुरू किया गया है। इस अवसर पर कमल पटेल ने कृषि रथ को किसानों की उन्नति के लिए अनूठा प्रयास बताया। कृषि रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को खेती के बारे में उपयोगी जानकारी दी जाएगी। हरदा जिले में किसान जागरूकता के लिए जन सहयोग से 3 कृषि रथ आरम्भ किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर कार्यालय से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कमल पटेल ने इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के लिए ये रथ उपयोगी साबित होंगे। ये रथ प्रत्येक ब्लॉक के गांव-गांव जाकर किसान पंचायत करेंगे और किसानों को फसल चक्र और खाद बीज और मिट्टी की जानकारी देंगे। कमल पटेल ने कहा कि इन रथों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा, खेतों में रासायनिक खाद के प्रयोग से वातावरण जहरीला होता जा रहा है। भावी पीढ़ी को इस खतरे से बचाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, इन रथों को कृषि विभाग ने पूर्णतः जन सहयोग से आरंभ किया है। इसमें शासन का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। हमारे कृषि विभाग ने जन सहयोग से ये 3 रथ तीनों ब्लॉक में जाएंगे, गांव-गांव किसानों को कृषि के बारे में बीज दवाई और मिट्टी और खेती में को विकास के लिए क्या क्या हो सकता है जागरूक लाने के लिए उसकी जानकारी देंगे। शासन की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की किसानों के हित में जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ किसान कैसे ले उसके बारे में जानकारी देंगे। एक एक गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, ग्राम सभा करेंगे हमारे कृषि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और किसानों को जागरूक करेंगे और जैविक खेती की ओर हमारे किसान बढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी बचे, क्योंकि अभी जो पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग होने से जहरीली खाद्यान्न हो रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।